क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में सही समय एंट्री और एग्जिट कैसे की जा सकती है? आज कैंडलस्टिक पैटर्न की सही इस्तेमाल करके हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे सटीक तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जो कैंडलस्टिक एक सिंगल चार्ट के थ्रू बनाता है वो उसे कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यह एक मिनट का, पाँच मिनट का, दस मिनट का, तीस मिनट का, एक आवरली का भी एक कैंडलस्टिक होता है। तो दोस्तों बहुत सारे पैटर्न हैं इसके, जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न कॉम्बिनेशन विद अदर इंडिकेटर। आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न का अदर इंडिकेटर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मिलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो स्वागत है आप सबका इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कैंडल के बारे में। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन एक सिंपल कैंडलस्टिक बताऊंगा। तीन कैसे सिंपल कैंडल बताऊंगा कि आप तीन कैंडल को कैसे, जब भी आप ट्रेड करेंगे आपका प्रॉफिट निश्चित है। आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए कैंडल क्या होता है। दरअसल कैंडल होता है मान लीजिए एक ये, ठीक है दोस्तों, ये आपके स्क्रीन के सामने मान लीजिए ग्रीन और रेड कलर का एक किसी भी कलर का कैंडल मान लीजिए। ये होती है इसकी टेल, ठीक है दोस्तों, ये होती है इसकी बॉडी और ये होता है इसका एंड। अब यहाँ से मार्केट या यहाँ से, ये इसका लो होता है और ये होता है इसका हाई, ठीक है दोस्तों। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है किसी भी कैंडलस्टिक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक, फर्स्ट कैंडलस्टिक हमारा क्या होगा, पहला कैंडलस्टिक होगा हैमर। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। हैमर, हैमर किस प्रकार का, हैमर भी दो प्रकार का होता है। हैमर दो प्रकार का, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इस प्रकार के हैमर का वेट करना है और दूसरा दोस्तों इस प्रकार के हैमर का वेट करना है, ये इस टाइप से, सॉरी एक लाइन को ऐसे, ये इस इन्वर्टेड हैमर, ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका लो, ये हो गया इसका हाई और ये हो गया इसका लो, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं इस हैमर को कैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हैमर को देखिए, अब मान लीजिए ये एक हैमर है, एक डाउन ट्रेंड के पास, एक राउंड नंबर के पास, राउंड नंबर के पास ये बना है और राउंड नंबर क्या होगा हमारा 46,600 और 46,000। ये हमारा 500 पॉइंट का एक नंबर है, वो भी कौन सा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ से जैसे ही ये इसका हाई क्रॉस करता है, हाई कैंडल क्रॉस करती है, आपको बाय कर लेना है और लो के आसपास आपने एसएल रख लेना है। क्या रख लेना है, स्टॉप लॉस। ऐसे ही आप इसको एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड। अगर आप इसे कैंडल, कैंडल प्लस इंडिकेटर, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी निकल कर आएगी जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं अच्छा खासा ट्रेड को सेटअप करके, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ें होती है जो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम में आती हैं और एक बेहतरीन ट्रेडिंग के लिए सेटअप भी आपका बनाती हैं। तो चलिए दोस्तों अभी दूसरी कैंडल की बात कर लेते हैं। दूसरा कैंडल है हमारा यहाँ पर डोजी। डोजी कैंडल कब बनता है, डोजी कैंडल बनता है, डोजी कैंडल किस हिसाब से, इस हिसाब से होता है या फिर दूसरा डोजी होता है इस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। जब बायर या फिर सेलर, जब बायर या फिर सेलर को पता नहीं होता कि मार्केट में करना क्या है, तब जाकर ये बनते हैं। अब देखिए जैसे ही कोई डोजी बनती है उसको, बायर सेलर को तो पता नहीं है, डोजी जैसे ही कोई बनती है उसका हाई या फिर कोई लो क्रॉस होता है, हमें उसी डायरेक्शन में या तो सेल करना होता है या फिर उसी डायरेक्शन के हाई क्रॉसिंग में बाय, ठीक है दोस्तों। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक डोजी बनी, यहाँ के लो क्रॉस हुआ, लो क्रॉस होने के बाद यहाँ पर बाय बना और उसके हाई पर एसएल रखा, ठीक है, और मार्केट ने देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिया। ये एक डोजी कैंडल है जब यहाँ पर प्रॉफिट होना होता है और उसके बाद देखिए राउंड नंबर हमें यहाँ पर मिल भी जाता है, ये हमें राउंड नंबर मिला 48,500 के आसपास का,
ये हो गई हमारी दूसरी कैंडलस्टिक। अब चलिए तीसरी कैंडलस्टिक की बात करते हैं। तीसरी कैंडलस्टिक है दोस्तों हमारी यहाँ पर, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ये होती है एक बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा बेरिश इनगल्फिंग और ये हो गया हमारा एक बुलिश इनगल्फिंग। इसके कैंडल के कलर के अंदर ही आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस कलर के अंदर ही आपको आपको अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, और हम देखना चाहते हैं कि आपको इस कैंडलस्टिक के बारे में कितनी नॉलेज है। तो दोस्तों ये जो कैंडलस्टिक है ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक है, और यहाँ पर इसका कलर पहले बड़ी कैंडल का रेड है और दूसरी का ग्रीन। अगर ग्रीन है तो अप ट्रेंड में और रेड है तो डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ये SL हो जाएगा और यहाँ से ये लो क्रॉसिंग पर बाय, और ये इसका यहाँ पर बाइंग हो जाएगा और इसके लो पर SL। आप इसे स्ट्रेटजी के साथ इंडिकेटर पर लगाकर अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप उसे जाकर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल पर। मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।